हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। कुमार कार्तिकेय ने जब असुर अट्टासुर को शरण देने का निश्चय कर लिया तो तारकासुर ने भी उन्हें एक चुनौती दी कि यदि उन्होंने अगले दिवस तक अट्टासुर का वध कर दिया तो कुमार कार्तिकेय को आत्मदाह करनी होगी। कुमार कार्तिकेय ने तत्काल चुनौती स्वीकार कर ली, किंतु अब देवता हतप्रभ थे। कुमार कार्तिकेय, ये क्या हो गया आपसे? क्या कर दिया आपने ये? वही हो गया जिसके प्रति स्वयं श्री हरि नारायण ने मुझे सावधान किया था। तारकासुर ने अपना कपट जाल बुना और मैं उसमें उलझ गया। संदेह तो मुझे उसी समय हुआ था जब यह असुर यहां पर आया था। यह वक्ष इन असुरों की कुछ चाल है इसके पीछे। यह षड्यंत्र रचा है तुमने? नहीं नहीं, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, तारकासुर कुमार कार्तिकेय को ऐसी चुनौती देंगे ये मुझे ज्ञात नहीं था। मैं तो यहाँ शरण लेने ही आया था। अच्छा, तो प्राप्त हो गया तुम्हें शरण, सुरक्षित हो गए तुम, जिस कारण तुमने कुमार कार्तिकेय को संकट में डाल दिया। ये तुच्छ असुर हमारा चिर शत्रु, आज हम इसकी सुरक्षा करने के लिए ही प्रतिबद्ध हो गए। हमारा लक्ष्य है तारकासुर का वध करना, किंतु अब हमें इस तुच्छ से असुर की सुरक्षा करने के लिए अपना ध्यान बटाना होगा। बस बहुत हुआ देवका, मुझे विश्वास है अट्टासुर ने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, अपितु तारकासुर ने अपनी कपट योजना में एक कठपुतली के समान उसका प्रयोग किया है। ऐसी कपटी योजना जिससे उसने हम सभी देवताओं को, विशेष रूप से आपको, अपने जाल में उलझाकर बहुत बड़े संकट में डाल दिया। फिर भी हम इस दुष्ट को शरण देने पर विवश हैं। हम देवता हैं देवगण, जय पराजय से परे धर्म का अनुसरण करना हमारा परम दायित्व है। अट्टासुर, तुम यहां सर्वथा सुरक्षित हो। समस्त देवता अब अट्टासुर द्वारा किए गए उसके कृत्य पर क्रुद्ध हो उठे थे, क्योंकि अट्टासुर के कारण ही उनका लक्ष्य बट गया था। देवताओं की मनोदशा देख अट्टासुर भी अब ग्लानी से भर उठा और फिर इस प्रायश्चित के लिए उसने अपने प्राणांत का निश्चय कर लिया। किंतु अट्टासुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध कार्तिकेय ने उन्हें तत्काल जाकर रोका और फिर देवताओं को भी इसके लिए मना लिया। तुम्हें भयभीत होने अथवा ग्लानी अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है अट्टासुर। देखो, यहाँ अकेले नहीं हो तुम, एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से घिरे हो तुम, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। और जहां कुमार कार्तिकेय देवताओं को साथ लेकर अट्टासुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं दूसरी ओर तारकासुर उस चुनौती में विजयी होने की अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका था। हंतक, हंतक। ये क्या कर रहा है महायोद्धा अंतक? हम पे अपना लक्ष्य क्यों साध रहा है? भागो, 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 हटो, हटो इस गले से, भागो, 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 हटो इस गले से, भागो, हटो, 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 हटो। Go!
कैसा भीषण भूकंपन है ये, अत्यंत भयंकर है इसकी गति। देखा देखा तुम सभी ने कितना अद्भुत सामर्थ्य है हंतक का। इसकी गदा अग्नि को ही नहीं उसके साथ साथ समस्त अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को भी सोख लेती है। विद्युत को अपने भीतर समाहित कर उसे अंधकारमय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है ये। और इस सबसे अधिक सृष्टि में जीवन की स्रोत सूर्य की ऊर्जा उसे भी सोख सकता है ये। अद्भुत अद्भुत अदम्य। अग्नि एवं विद्युत से शत्रु का महासंहार करने वाला ऐसा कोई विलक्षण योद्धा और कोई अन्य हो सकता है क्या? हाँ, देव सेना में एक से एक विलक्षण योद्धा है। देवताओं में सबसे अग्रणी मेघों और वर्षा को नियंत्रित करने वाले, विद्युत और बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वयं देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र हूं मैं, मेघ वर्षा विद्युत और बवंडर मेरी ही इच्छा से क्रियान्वित है और मैं अपनी विद्युत शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूं। और ये सूर्यदेव समस्त जीवन को उष्मता प्रदान करते हैं। स्वयं माता आदिशक्ति अपने कुष्मंडा माता स्वरूप में उस ऊर्जा की स्रोत है। मेरी ऊर्जा जीवनदायिनी तो है ही, किंतु उसके प्रभाव में वृद्धि कर मैं उससे सब कुछ भस्म भी कर सकता हूं। अग्निदेव, मैं अग्निदेव, मैं पंचभूत तत्वों में से एक हूं। सभी जीवों में मेरा अंश व्याप्त है, किंतु मैं किसी में भी प्रकट होकर उसे भस्म भी कर सकता हूं। आज्ञा दीजिए महाराज।
कंदिरा, दिखाओ इन्हें जल में तैरती हुई मीन के नेत्र कैसे भेदते हैं, दिखाओ। एक साथ इतने बाण, और इसके लक्ष्य तो हम लोग हैं, हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। उत्तम। कोई नहीं टिक सकता कंदिरा के समक्ष, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे कंदिरा। कंदिरा, मेरा द्वितीय महायोद्धा सेनापति, अद्भुत अद्भुत धनुर्धारी है ये, जो अपने स्वर संकेत से अपने बाणों को नियंत्रित कर अपनी इच्छा अनुसार अपने बाणों को रोक सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है उनकी, संपूर्ण सृष्टि के जल को सोख सकते हैं इसके बाद। इतनी शक्ति है इसमें। सृष्टि के समस्त जल तत्व, चाहे वो किसी के शरीर में हो अथवा उन्मुक्त, उसी से सृष्टि पर हाहाकार मचा सकता है मेरा जलासुर। कंदिरा, तुम्हारी इस शक्ति का सामना कौन कर सकता है, बताओ। मुझे अनुमति दीजिए देव सेनापति। पीछे हट जाओ अट्टासुर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद वरुण देव। वरुण देव हूं मैं। जल तत्व मेरे अधीन है और जल का विशेष गुण है, वो यदि कोमल है तो कठोर रूप भी धारण कर सकता है, वो यदि जीवन प्रदान करता है तो अपने प्रभाव और अपने प्रभाव से जीवन ले भी सकता है। उसी जल रूपी शक्ति का स्वामी हूं मैं।
और आप मेरा तृतीय गुप्त आयुध, मेरा महायोद्धा सेनापति वेत्रपाणि। आज्ञा दीजिए महाराज। दिखाओ इन्हें क्या कर सकते हो तुम। मात्र एक सूल, फिर तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ये क्या करने वाला है। ये किसी पर्वत पे अपने सूल से प्रहार कर उसे नष्ट करेगा, है ना महाराज? उचित कहा तुमने, मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं, मात्र एक शूल ही तो है। तो प्रतीक्षा किस बात की, दिखा दो हमें कि कितना विनाश कर सकता है तुम्हारा ये शूल। उचित है तो फिर देखो। अरे ये शूल भी तो हमारी ओर आ रहा है। भागो, भागो! अरे भागो, भागो! 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 अरे हटो, अरे हटो इसके मार से, अनिता हमें हम फिर ये करेगा। अरे हटो इसके मार से, अनिता हमें हट करेगा। भागो, 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 अरे भागो, अरे भागो। साहस है तो इस शूल को रोक कर दिखाओ। अभी रोकता हूँ मैं तुम्हारे इस शूल को। महाराज इसे रोकिए महाराज, अन्यथा ये मेरा अंत कर देगा। अद्भुत, अपने दंत में पकड़कर रोक लिया शूल को। एक बार ये गतिमान हुआ तो एकमात्र मैं ही अपने दंत से इसको रोकने में सक्षम हूं, और जब तक इसे मैं ना रोकूं, इसे कोई नहीं रोक सकता, त्रिदेव भी नहीं। शूल के प्रभाव से वायु को सोख कर अपने शत्रुओं की स्वास्थ्य को बाधित कर सकता हूँ। ऐसा अंधकार मैं शून्य उत्पन्न कर सकता हूँ मैं, जो ब्रह्मांड के समस्त वातावरण को अपने भीतर समाहित कर ले। बस बस करो वेत्रपाणि, बस। कोई जो इसका सामना कर सके? वायु के देवता स्वयं वायु देव है हमारे साथ।
वायु के देवता अर्थात वायुदेव, तीव्र गति का वायु प्रभाव और प्रचंड बवंडर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? शून्य भी उत्पन्न कर सकता हूँ। जिस वातावरण में तुम स्थित हो वो वायु मेरी ही तो है। उस वातावरण को वायु से रिक्त कर इस समस्त ब्रह्मांड को वायु विहीन कर सकता हूँ। और यदि श्वास बाधित हो गए तो ये तो प्राणार्थ हो जाएगा। और वो देखिए, कुबेर देव जी भी हैं हमारे साथ, जो गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। और आप मेरा चतुर्थ और अंतिम महायोद्धा बहुका। आज्ञा महाराज। से युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अब उस महायुद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका था, जो देवताओं और असुरों का भाग्य नियत करने वाला था। हम कितने भी शक्तिशाली और पराक्रमी क्यों ना हो, किंतु हमारे युद्ध का उद्देश्य क्या है, धर्म या अधर्म, ये महत्वपूर्ण है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।